क्या हो गया मेरे, ये सब देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं चली गई? मुझे कुछ ऐसा दिख गया जो मैं आप स्पीक के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मुझे अपनी असली पोजीशन में आना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आप सभी कैसे हैं? होप आप सब ठीक होंगे। सो आज का व्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आज मेरे दांत में दर्द हो रहा है। सो देखते हैं आगे, अगर ठीक हुआ तो मैं बात भी करूँगी। तो अभी भी ठीक नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा। और बाहर हो रखा था बहुत ही प्यारा बारिश वाला मौसम, और अंदर पड़ा था बिखरा हुआ सामान, क्योंकि 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 आज हमारे घर में एसी इंस्टॉलेशन के लिए आया हुआ थे, तो ये लोग एसी लगा रहे हैं। तो टाइम हो गया 12:05 और नहीं 10, और अब मुझे बनाना है लंच, तो मैं लंच प्रिपेयर करूँगी। तो मैं आज किचन में लंच बनाने के लिए, और पता नहीं मम्मा ने दाल चढ़ाई हुई थी, पता नहीं किसकी चढ़ाई है। लेट्स सी किसकी दाल चढ़ती है मम्मा ने। मम्मा तो भाई दाल चढ़ा के रखे थे, तो ये मिक्स दाल चढ़ाई है, वो ज़्यादा गल गई है। मिक्स दाल है और हम अब इसको बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी से दाल और राइस। सो गाइस, खाना है तो वो मैंने बना दिया हुआ है, और अब मैं जाती हूँ अपने रूम देखने के लिए कि मेरा रूम कैसा लग रहा है एसी लगवाने के बाद। एक्चुअली मैं इसमें बाद बताती हूँ आपको, फिर चलो चलते हैं। मैं दूसरे रूम में आ गई, शायद किसी और के रूम में। नहीं निशु, वो तेरा ही रूम है, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया मेरे, ये सब देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं चली गई? इतनी बुरी हालत मेरे रूम की, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितना गंद है, पता है आपको, मैंने सुबह सुबह सफाई की थी, सुबह सुबह झाड़ू पोछा सब कुछ किया था। मेरे क्वेश्चंस भी खराब हो गए होंगे, ये बच गए हैं थोड़े से। इतनी मिट्टी मिट्टी, मेरे हाथ भी फट जाएंगे इस मिट्टी से, और सीमेंट भी होगा इसमें, बैठ के पीछे भी होगा। और ये बहाना बना के चले गए कि मुझे कुछ काम है, ताकि मुझे काम ना करना पड़े। एसी हो चुका है इंस्टॉल, और अब मुझे करनी है साफ़ सफ़ाई, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन वाले हैं वो साफ़ सफ़ाई की सर्विस नहीं देते हैं। अगर कोई सुन रहा है ना, तो उनको देनी चाहिए सर्विस, हम बेचारियों पे जुल्म हो रहा है। इतना ज़्यादा इतनी डस्टिंग कौन करेगा भाई, थोड़ी थोड़ी तो आती है करने पर इतनी, पर हम करेंगे क्योंकि हम नारी हैं, कुछ भी कर सकती हैं, है ना। तभी मैं साफ़ सफ़ाई करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। सो मैं अपनी जादू की छड़ी ले आई हूँ, और अब देखना मैं घुमाने वाली हूँ उसको। पर उससे पहले मुझे अपनी असली पोजीशन में आना पड़ेगा। सो मैंने बेड वाली साइड साफ कर ली है, आपको दिखा के। सो गाइस, मैंने हिसाब लगा दिया, छोटी छड़ी से काम नहीं चलने वाला यहाँ पे, तो मैं बड़ी छड़ी ले आई हूँ जो कि खुद बनाई हुई है, इससे साफ सफाई कर। ये रखो, मेरे सिस्टर ने लॉ आ गया मेरी हेल्प करने के लिए, चलो। और मेरे लिए आमले लेके आए हैं। बताओ क्या काम करना है, पत्ती तो दिखाओ अपनी। ये मेरी हेल्प करने के लिए आए हो, चुप हो जाओ। कोई बात नहीं, साफ सफाई कर भाई, कोई बात नहीं, अभी खा लेती हूं। भाभी एक गुड़िया रख ये। वाओ वाओ, मेरे को उम्मीद नहीं थी आप उठा पाओगे। साइज में मत जाना, ये तो मैं नहीं रख पाती और आपने रख दिया। साइज फिर दे दिया आपने, मेरा क्या हट गया मेरा। साफ सफाई है जो मैंने कर दी हुई है, और अब हम पियेंगे। वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती हूँ, बस थोड़ा सा इनको, ये मेरी दीदी है, इनको कंपनी देने के लिए मुझे पीनी पड़ रही है। ओह यस, ठीक है, थोड़ी सी पीती होगी मैं।
सो मेरे रूम की है जो साफ सफाई हो चुकी है, ये देखो कितना गंद था और अभी देखो इतनी साफ सफाई हो गई है, पर अभी भी गंद है यहाँ पे क्योंकि मैंने चप्पल देखो कैसे फेंकी हुई है यहाँ पे, लगानी पड़ेगी, अजीब लग रही थी यहाँ पे। और साफ सफाई तो होगी, अब थोड़ा सा फ्रेश हो लेती क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई मेरे ऊपर, तो मैं थोड़ा नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। और मैं फ्रेश होके आ गई और अब मुझे रात हो गई है तो देखते हैं क्या काम करना है। और मैं खाना गाइस खाना बनाते बनाते मुझे कुछ ऐसा दिख गया जो मैं स्पीक के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बचपन में ना मम्मा हमें बना, बचपन में क्या अभी तक मम्मा ना हमें बना कर देते थे और मम्मा के हाथ का तो लाजवाब होता था। और अब मेरा मन करे मैं भी उसको बनाऊँ, तो वो है सेवैयाँ। और मुझे यही सेवैयाँ पसंद है जो लंबी वाली थी, जो आजकल आती है ना पैकेट में छोटे छोटे पीसीज करके, वो मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों मेरी चॉइस होती है। तो मेरा मन करा बनाने करने को, पता नहीं मैं मम्मा की तरह बना पाऊँगी कि नहीं, बट ट्राई करती हूँ। और मेरा ना सामान है भी है इसको बनाने वाला, कि पति के जितना भी होगा उसमें ही आप उसको बनेंगे, बनाते हैं इसको। तो भैया मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, वैसे भी मेरा मीठा खाने का मन करा था। सबसे पहले मैं कढ़ाई जा रही हूँ, थोड़ी सी बनाती हूँ ज़्यादा। और अब इसमें क्या डालते हैं, घी देखती हूँ, घी थोड़ा सा यूज़ मुझे मसाला खा गया। बहुत है इसमें डालने के लिए, और आपको बताऊँ ये घी मैंने वो किया हुआ बना। तो घी है जो मैंने डाल दिया हुआ, थोड़ा सा ही डालेंगे और मैं इसको आधा ही बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतना सामान नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा टेस्टी बनाऊँ। तो अब मैं करण को बोलूँ कुछ सामान लाने के लिए, तो फिर कल बनाएंगे, आज भी बनाएंगे, कल भी बनाएंगे, रोज बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी हो जाती है यार, एक मौका मैं तो खा लूँ। मैं घी मैंने गर्म कर दिया, अब मैं चला लूँ पनीर फ्राई करिए। मैंने कटोरी में थोड़े से केसर डाल के रखा था क्योंकि केसर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो 7-8 ही रेशे मैंने डाली थी। तो अब हम डालेंगे ये खीर में। मैंने बंद कर दी थी क्योंकि हमारी ये वाली कढ़ाई बहुत गर्म होती है, जलना था, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया हुआ था। अब मैं फिर से ऑन किया, थोड़ा थोड़ा रोस्ट और करना है। फिर मुझे ना इसमें गर्म पानी डालना है थोड़ा सा, उसके बाद इसमें दूध डालूंगी। और मैं भी गर्म पानी कैसे बदल देती थी,
टेस्टी बनाते थे, आपको पता मम्मा बहुत टेस्टी बनाते थे, अगर किसी को सवैया खानी है तो मेरी मम्मा के पास आए, मुझे बोला फिर मैं मम्मा को बताऊँगी कि वो बना के दे देंगे, बहुत टेस्टी। जब भी बनाते थे ना तभी हम तीन सिबलिंग हैं, मेरी दीदी हैं, मेरी भाई और मैं, हम तीनों की बहुत लड़ाई रहती थी, पता नहीं क्यों पकती थी, क्योंकि लास्ट में जो कटोरी बचती थी ना उसके ऊपर से लड़ाई लगती थी हमारी कि वो कटोरी कौन खाएगा लास्ट वाली। तो मुझे काफ़ी याद आती है, मतलब गलवानी नहीं है, ऐसी गाने आती जो कुछ ऐसा वैसा होता है ना जिसको ये मुन्ना नहीं बुलाना है। दो मिनट के लिए बाहर जाऊँगा तो दूर हो जाएगा, ऐसा तो सब इंतजार होता होगा। इतना इससे थोड़ा ज़्यादा मेरे को पसंद है, आपको पता नहीं, पर इससे थोड़ा ज़्यादा करना है हमें, इसको नहीं हो ही गया इस वक्त ये रोस्ट, इसको फ्राई करें तब इसको एकदम पांच के करें क्योंकि ये जल ही सकता है। अभी ये तो ऐसे ही बना रही हूँ दुख मिटाने के लिए, बट मुझे ये भी अच्छे से आता है उनकी मम्मा की तरह, तो इसकी रेसिपी मैं आपको बाद में बताऊँगी जब मेरे पास सारा सामान होगा, तो बहुत कुछ चलता है उसके लिए, अभी टर्की शेक बनाना है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी, अगर कमेंट में बता देना मुझे जिस चीज़ को उसकी रेसिपी चाहिए। यूट्यूब से सीखी है मैंने, नहीं मैंने अपनी मम्मा से सीखी, हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध, इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम, थोड़ा सा हम आप उबलने देंगे, थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे, सेकेंगे एंड देन, ये तो गर्म ही था और हमारी डेजर्ट है जो बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसको गार्निश करके बताऊंगी आपको, तो मेरे पास गार्निशिंग के लिए है कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जो मैंने इसमें डाला नहीं और ज़रूरी था डालना, तो मिलते हैं जब ये रेडी होगा बन के, उसके बाद तब तक आप अपना काम कीजिए। और अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ क्योंकि क्योंकि मैं थक चुकी हूँ यार। सुनो ये करो टेस्ट, टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है, अब हम इनका रिएक्शन देखेंगे कैसी बनी है। अच्छी है, एकदम असली वाली, असली वाली है बहुत अच्छी बनी यार। सच्ची में मैं तो एक और कटोरी खाऊंगा चलो फिर मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कैसी बनी है। अच्छी है पर जैसे मेरे मम्मा बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छी नहीं, अभी बता देती हूँ हाँ तो अगर मम्मी सुन रहे होंगे मेरी ये वीडियो तो मेरे लिए आई मीन देख रहे होंगे तो मेरे लिए कल खीर भेज दें, वो सेविंग है वो भी,
बना के विद मंडे। सो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।